फ्रेंड्स, आपने रिक्वेस्ट किया था ना कि फेस वॉश वाली वीडियो बना के दो, तो मैं आज आपकी रिक्वेस्ट को पूरी करने के लिए आ गई हूँ। ये देखिए, कुछ भी फेस वॉश मैं यूज करती लेती हूँ। मैं ज्यादातर ये वाली क्लीन अप क्लियर होता है, क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश यूज करती हूँ। तो सुबह का टाइम है, मैंने फेस वॉश किया ही नहीं है, खाली वाटर से भी वॉश नहीं किया। सबसे पहले मैं सोप से हैंड वॉश कर लेती हूँ, जो भी हमारे पास सोप होती है उससे हैंड वॉश कर लेती हूँ। देन क्योंकि जब हम सोते हैं ना तो हमारा हैंड ऑयली सा हो जाता है ना, मेरा तो हो जाता है, पता नहीं आप सबको क्या होता है। तो ये देखिए, मैंने हैंड वॉश कर लिया ऐसे। अब मैं फेस वॉश करूंगी, मैंने नॉर्मल वाटर से ही फेस वॉश किया हुआ है। ये देखिए हो गया, क्योंकि चेहरा भी मेरा ऑयली है तो ऑयली हो ही जाता है सुबह तक। और मैं ये कुछ बूंदे लूंगी क्लीन एंड क्लियर के, 1 2 3 इतना काफी हो जाता है मेरे लिए। देखिएगा आप, ऐसा 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 ऐसे करना है। मैं इस तरह से करती हूँ, आप सभी कैसे करते हैं आप मुझे बताइएगा। और अगर आपको मेरे से बेटर तरीका पता होगा ना तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके जो तरीका है ना उसको जरूर अप्लाई करूँगी खुद पे। तो लास्ट में मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे दोनों हैंड से, और इस तरह से फेस वॉश करने लगती हूँ। वैसे तो इनफ है इतने, लेकिन मैं आज आप सबको दिखा रही हूँ तो थोड़ा और ले लेती हूँ, ओके, ताकि थोड़ा झाग आए तो आप सबको भी समझ में आए कि फेस वॉश ही कर रही है। तो ये हो गया, 2-3 मिनट तक मैं ऐसे रब करती हूँ, मसाज करती हूँ, जैसे भी मसाज, जो भी मसाज करना है मुझे। फेशियल और क्लीनअप की मसाज नहीं करती हूँ नॉर्मली, जब हम फेस वॉश करते हैं ना तो हमें करना चाहिए इतना, है ना, कि नहीं कि ऐसा लगाया और खो दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ मिनट मसाज जरूर करना चाहिए ताकि जो ऑयली है, जो डस्ट है, वो थोड़ा निकल जाए फेस से और फेस थोड़ा फ्रेश लगे। तो मैं आँख में भी ऐसे कर लेती हूँ कभी कभी, रोज ही करती हूँ मैं, आँख में भी ऐसे कर लेती हूँ, आँख को बंद करके। आँख को बंद करने से ना झाग अंदर जाता नहीं है। नोज के साइड साइड पे ज्यादा ब्लैकनेस या व्हाइट हेड ब्लैक हेड आ जाते हैं ना, तो इसको भी ऐसे समझे करना है, कर लेती हूँ। और चीको नेक को नहीं, चीको चीन को, अभी सूख गया है तो मैं आप थोड़ा पानी ले लेती हूँ। और अगर आप क्लीन अप वाला स्टेप आजमाना चाहते हो तो, मैं तो नहीं करती हूँ ऐसा कुछ, मैं आज आप सबको दिखाने के लिए कर दे रही हूँ, बाकी मैं नहीं करती हूँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमारे जो क्लीन अप पार्लर में क्लीन अप होता है ना, उसका स्टेप है ये, आप सभी को पता होगा आई थिंक। तो मैं ये कर रही हूँ गाइस, हो गया, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, 3 मिनट या 2 मिनट का ही फेस वॉश यूज़ करती हूँ। और ये हो गया मेरा, हो गया फेस वॉश। देन मैं प्लेन वाटर से वॉश कर लेती हूँ इसका। ना फ्रेशनेस चीज ऑसम। देखिए मेरी बिंदी अभी तक यहाँ है, निकली ही नहीं है। कोई कोई बिंदियाँ ऐसे निकल जाते हैं, ये निकलता नहीं है, जबकि आपने देखा है मैंने कितना रब किया था। लास्ट में मैं फिर से थोड़ा सा रब कर लेती हूँ ऐसे। फ्रेंड्स, मैं आप लोग हंसिएगा मत, क्योंकि ना मैं क्या यूज़ करती हूँ बताओ अपने चेहरे को रब करने के लिए। मैं ये बाबू का, मेरे बेटे का छोटा सा सॉक्स है, ये बहुत सॉफ्ट है, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ, इसे हैंड में लगा लेती हूँ। और इस तरह जब भी मुझे रब करना होता है, स्क्रब करना होता है ना फेस वॉश से ही या फेस वॉश के बाद में, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। ये काफ़ी सॉफ्ट है, फेस के लिए बहुत अच्छा है, मैं इसको हैंड वॉश नहाने के टाइम पे भी यूज़ करती हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, हंसिएगा मत, क्योंकि अपनी अपनी चॉइसेस हैं ना, कोई कोई कुछ और स्क्रब यूज़ करते हैं, कोई दूसरा यूज़ करते हैं, उसमें काफ़ी साफ हो जाता है। तो गाइस, ये वाली वीडियो अगर मैंने आपको अभी जो दिखाया, वही रिक्वेस्ट थी ना आपकी, अगर दूसरी होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो रिक्वेस्ट भी आप जरूर पूरा करूँगी। और अगर यही थी तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चलिए आप सब मुझे कमेंट में बताते रहिएगा, रिक्वेस्ट देते रहिएगा, चैलेंज देते रहिएगा।
तो फिर मैं आप सबके चैलेंज को और रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक आप सभी को जय श्री कृष्णा, बाय।